सो आज इस वीडियो में हम एसेंशियली 12 ज्योतिर्लिंग्स को डिस्कस करने वाले हैं। इन शिवलिंग का संबंध हिंदुज्म के लॉर्ड शिवा से है, जो हिंदू बिलीफ के मुताबिक सबसे इंपॉर्टेंट गॉड्स में से एक है। हिंदुज्म के 3 मेन गॉड्स हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिवा यानी महेश। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा यूनिवर्स के क्रिएटर हैं, विष्णु प्रिजर्वर हैं और शिवा रिक्रिएशनल अटेम्प्ट के लिए यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जिम्मेदार हैं। हिंदू बिलीफ के मुताबिक डिस्ट्रक्शन और रिक्रिएशन की उनकी पावर इल्यूजन्स और इम्परफेक्शंस को दुनिया से डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। इन पावर्स का यूज शिवा कंस्ट्रक्टिव तरह से करते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि शिवा अनटेम्ड पैशन रखते हैं और इसे वो एक्सट्रीम बिहेवियर्स तक पहुंच जाते हैं। उन्हें क्रोध यानी गुस्सा भी आता है, पर वो मोहित यानी प्रेम से भी जल्द प्रभावित होते हैं। बिलीफ के मुताबिक उन्हें संभालने के लिए उनकी पत्नी पार्वती हैं। दोनों की रिलेशनशिप एक बैलेंस लेकर आती है। शिव क्रोधित भी होते हैं और एक प्रेमी भी हैं। और हिंदू बिलीफ के मुताबिक कई इवेंट्स और स्टोरीज हैं जो पुराणों और कथाओं में बताई जाती हैं। हिंदूज का एक सेक्शन है जो शैवियत नाम से जाना जाता है। इस सेक्शन के प्राइमरी गॉड लॉर्ड शिवा हैं। आज दोस्तों, इस वीडियो में हम शिवा का प्रेजेंस और सबसे इंपॉर्टेंट 12 शिवलिंग्स को डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। शिव ही नटराज हैं और शिव ही महाकाल हैं। त्रिदेव में से एक लॉर्ड शंकर हिंदू बिलीफ में एक क्रूशल पार्ट निभाते हैं। यूं तो माना जाता है कि अक्रॉस इंडिया 64 ज्योतिर्लिंग्स हैं, पर इनमें से 12 अटमोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। लेकिन इन स्पेशल मंदिरों और शिवलिंग के बारे में जानने से पहले हम ज्योतिर्लिंग एग्जैक्टली होते क्या है ये डिस्कस कर लेते हैं। ज्योतिर्लिंग का मतलब है लॉर्ड शिवा का रेडिएंट सिंबल। यह सिंबल जनरली फैलस सिंबल को कहा जाता है, हिंदी में इसे लिंग कहते हैं। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक लिंग और योनि का डिवाइन मेल होने से दुनिया का उद्गम होता है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें सोमनाथ इन गुजरात, मल्लिकार्जुना एट श्रीसैलम इन आंध्र प्रदेश, महाकालेश्वर एट उज्जैन इन मध्य प्रदेश, ओमकारेश्वर इन मध्य प्रदेश, केदारनाथ इन उत्तराखंड, भीमाशंकर एट पुणे इन महाराष्ट्र, विश्वनाथ एट वाराणसी इन उत्तर प्रदेश, त्र्यंबकेश्वर एट नासिक इन महाराष्ट्र, वैजनाथ टेम्पल इन देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, औंधा नागनाथ एट औंधा इन हिंगोली डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, रामेश्वर एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु एंड घृष्णेश्वर एट एलोरा नियर औरंगाबाद इन महाराष्ट्र शामिल हैं। हम दोस्तों एक एक करके इन सभी ज्योतिर्लिंगों को डिस्कस करेंगे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग दोस्तों गुजरात के सोमनाथ में स्थित है, जो प्रभास पतन में लोकेटेड है। ये सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग माना जाता है और लेजेंड्स के मुताबिक इस मंदिर को सोम यानी मूड गॉड ने खुद क्रिएट किया था। इस मंदिर से दिल्ली सल्तनत का लिंक भी हिस्ट्री में डॉक्यूमेंटेड है। हिस्ट्री महमूद गजनवी यानी दिल्ली सल्तनत के एक रूलर को भी इस रीजन से जोड़ती है। महमूद गजनवी ने 11th सेंचुरी में दोस्तों इस मंदिर पर करीब 16 बार अटैक किया। यहाँ एक शिवलिंग को भी तोड़ा और मंदिर को लूटा। हालांकि बाद में इस मंदिर का रिक्रिएशन किया गया और आज भी सोमनाथ हिंदुज्म के क्रूशल पिलग्रिमेज में से एक माना जाता है। गुजरात में दोस्तों एक और ज्योतिर्लिंग है जिन्हें नागेश्वर कहा जाता है। ये टेम्पल दोस्तों द्वारका के पास लोकेटेड है, जो शिवा पुराण के मुताबिक दारुका वना में है। ये दोस्तों फॉरेस्ट का एंशियंट नाम है। इंडियन बिलीफ के मुताबिक लॉर्ड कृष्णा इस फॉरेस्ट में रुद्र अभिषेक करते थे। रुद्र लॉर्ड शिवा का ही एक और नाम है। काशी विश्वनाथ इन उत्तर प्रदेश। इस ज्योतिर्लिंग को विश्वनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि शिव यूनिवर्स के रूलर हैं। बिलीफ के मुताबिक वो यूनिवर्स पर राज भी करते हैं और उसे खत्म करने की भी शक्ति रखते हैं। दोस्तों, ये ज्योतिर्लिंग वाराणसी में गंगा नदी के किनारे मौजूद है। इसे सभी ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पवित्र माना जाता है। तीसरे ज्योतिर्लिंग का संबंध मध्य प्रदेश के एंशियंट शहर उज्जैन से है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दोस्तों उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर मौजूद लिंग दक्षिण मुखी कहलाते हैं क्योंकि वो साउथवर्ड फेस्ड हैं। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर को स्वयंभू माना जाता है। इसका मतलब है महाकाल खुद पैदा हुए हैं और यहाँ पर कोई स्थापना नहीं हुई है। मान्यता के मुताबिक पावर को वो खुद के अंदर से डिराइव करते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर डिवोटीज पूरी रात यहाँ पे और सभी ज्योतिर्लिंग के मंदिरों में धूमधाम से पूजा करते हैं। महाकाल का संबंध दोस्तों मृत्यु का नहीं है, बल्कि टाइम का है। कहा जाता है कि महाकाल यानी शिव अनंत यानी इटर्नल है। अगला ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन इन आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के श्रीसैलम में श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग टेम्पल लोकेटेड है।
एक बिलीव के मुताबिक शिवा और पार्वती अपने बेटे कार्तिकेय के पास रहने के लिए श्री शैलम में रुके थे। कार्तिकेय ने माउंट करवंजा पर अकेले रहने का प्रण लिया था। इस ज्योतिर्लिंग को दोस्तों एशिया में फैले हुए 275 पादल पेत्रा स्थलम यानी 275 डिवाइन प्लेसेस में से एक है। ये शिवाइट डिवोटीज के लिए क्रूशल पिलग्रिमेज है। ओमकारेश्वर महाकालेश्वर के बाद दूसरा ज्योतिर्लिंग है जो मध्य प्रदेश में है। ये ज्योतिर्लिंग नर्मदा रिवर में मौजूद एक रिवर आइलैंड मंदता पर लोकेटेड है। ओमकारेश्वर नाम दोस्तों आइलैंड के शेप के ऊपर दिया गया है जो ओम की तरह नजर आता है। यहाँ लॉर्ड शिवा के दो मंदिर हैं, एक ओमकारेश्वर यानी लॉर्ड ऑफ ओम और दूसरा अमरेश्वर यानी इमोर्टल लॉर्ड। इसके बाद दोस्तों एक ज्योतिर्लिंग है जो विजिटर्स के लिए मोस्ट डिफिकल्ट माना जाता है, ये है उत्तराखंड में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। दोस्तों ये वही केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है जहाँ 2013 में बादल फटने से नेचुरल डिजास्टर अब तक जहनों में जिंदा है। इस डिजास्टर में करीब 6,000 लोगों की डेथ हुई थी। इसके अलावा इकोलॉजिस्ट चंद्र प्रकाश काला बताते हैं कि स्ट्रेटजी से $285 मिलियन वर्थ रोड्स और ब्रिजेस, $30 मिलियन के डैम प्रोजेक्ट के साथ साथ स्टेट टूरिज्म को $195 मिलियन का नुकसान हुआ था। दोस्तों केदारनाथ ऋषिकेश उत्तराखंड से भी 3,583 मीटर की ऊंचाई पर लोकेटेड है और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के कारण ये साल में केवल 6 महीनों तक ही एक्सेसिबल रहता है। ये भी 275 पादल पेत्रा स्थलम में से एक है जो पांडवों ने बनाया था और आदि शंकराचार्य ने इसे रिवाइव किया था। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग है तो वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग है। पहली ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर जो खेत तालुका के पास लोकेटेड है। यहीं से दोस्तों रिवर भीमा का उद्गम है। इस मंदिर को 18th सेंचुरी में बनाया गया था जो नागरा आर्किटेक्चर स्टाइल दिखाता है। लेजेंड्स के मुताबिक इससे पहले वाले एंशियंट टेम्पल को एक सेल्फ बॉर्न शिवलिंग के लिए बनाया गया था। दूसरा ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। दोस्तों नासिक सिटी में लोकेटेड लॉर्ड शिवा का ये टेम्पल ब्रह्मागिरी माउंटेन की फोटहिल्स पर लोकेटेड है। शिवा पुराण के मुताबिक गोदावरी और गौतम ऋषि की रिक्वेस्ट पर लॉर्ड शिवा ने त्र्यंबकेश्वर में निवास करना डिसाइड किया था। ये एक यूनिक ज्योतिर्लिंग है क्योंकि ये 3 फेस के साथ लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा को सिंबलाइज करता है। दोस्तों अगला ज्योतिर्लिंग है ग्रहणेश्वर महाराष्ट्र में। इसकी इंपॉर्टेंस के मुताबिक ये 12th ज्योतिर्लिंग है जो औरंगाबाद में लोकेटेड है। इन्हें ग्रहणेश्वर ज्योतिर्लिंगा या फिर घरणेश्वर ज्योतिर्लिंगा और कुछ लोग दुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। घरणेश्वर यानी लॉर्ड ऑफ कंपैशन। इन ज्योतिर्लिंग के बाद हम चलते हैं झारखंड। झारखंड में दोस्तों बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग लोकेटेड है। ये देवगढ़ झारखंड में स्थित है और इनका नाम वैद्य इसलिए है क्योंकि यहीं पर शिव ने डेमन किंग रावण को क्योर किया था। रावणा दोस्तों अखंड शिव भक्त था, इसके चलते लॉर्ड शिवा उससे प्रसन्न हुए और उसे क्योर किया। क्योंकि वैद्य हिंदी में डॉक्टर को कहते हैं इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम बैद्यनाथ पड़ा। इसके बाद दोस्तों लास्ट में आते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। इनका हिंदू मान्यता के मुताबिक लॉर्ड राम से संबंध है। कहा जाता है कि लॉर्ड राम ने रावण को मारने से पहले जो एक ब्राह्मण था एक शिवलिंग बनाकर पूजा की थी। उन्होंने जिस लिंग की पूजा की थी उसे रामानाथर कहा गया। दोस्तों इन्हें रामानाथ स्वामी भी कहा जाता है। ये टेम्पल तमिलनाडु के रामेश्वरम आइलैंड पर मौजूद है। दोस्तों हिंदू बिलीफ के मुताबिक यूनिवर्स हर 2,160,00,000,000 साल के बाद रीजनरेट होता है। ये एक साइकिल है। शिवा अकॉर्डिंग टू द हिंदूज डिस्ट्रॉयज द यूनिवर्स। इसके बाद वो इसे नई तरह से बनाने के लिए ब्रह्मा को देते हैं। दोस्तों शिव की हजारों डेफिनेशंस हैं और कई रूप हैं। उन्हें एक तरफ किसी इंडल्जेंस और प्लेजर से दूर बताया जाता है, एक तरफ क्रोधी बोला जाता है और मान्यताओं के मुताबिक उन्हें एविल स्पिरिट्स, घोस्ट, थीव्स, विलन्स और बेगर्स का लीडर भी कहा जाता है। शिव योगीज और शाइविज्म सेक्शन के महत्वपूर्ण भगवान हैं। वो हिंदुज्म के सेक्रेट टेक्स्ट यानी वेद के प्रोटेक्टर भी हैं। और क्योंकि शिव को निराकार यानी विदाउट शेप कहा जाता है, उनके लिंग की पूजा की जाती है। लिंग यानी संस्कृत में सिग, ये डिस्टिंग्विशिंग सिंबल को कहते हैं। हिंदुज्म में ये शिव को सिंबलाइज करता है और एक तरह से जनरेटिव पावर का एम्बलम है। ये दोस्तों लॉर्ड शिव के मंदिरों में हर जगह देखने को मिलते हैं। भक्तों द्वारा लिंग को सजाया भले ही जाता है पर ये एक डिस्टिंक्टिवली एनिकॉनिक है, यानी लिंग के द्वारा किसी भी तरह का कोई सिंबॉलिक या सजेस्टिव रिप्रेजेंटेशन होता नजर नहीं आता है। ये जनरली डिस्क शेप्ड और लिप्ड योनि के ऊपर होते हैं जो गॉडेस शक्ति का साइन माना जाता है। शक्ति ही गॉडेस पार्वती हैं।
एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट यानी महाभारत और पुराणों के मुताबिक नरेटिव्स में पाया जाता है कि लिंग लॉर्ड शिवा का फैलिस यानी पीनिस है। हिंदू तरह से लिंग और योनि के संगम को मेल एंड फीमेल प्रिंसिपल्स के यूनियन का सिंबल मानते हैं और इससे एग्जिस्टेंस की टोटैलिटी समझते हैं। दोस्तों, मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं कि शिव पुराण से या भगवान शिव की कथाओं से ऐसी कौन सी सीख है जिसने आपको जीवन जीने के लिए प्रभावित किया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।